प्रतीक जी, पूरे दिल्ली में पिछले एक साल में किस तरह शराब माफिया द्वारा शराब बहाई गई है वो सब जानते हैं। स्कूलों के पास ठेके खोले गए, मोहल्ला क्लिनिक कहते कहते मोहल्ला ठेके खोल दिए, मोहल्लों में ठेके खोले गए, गुरुद्वारे मंदिर मस्जिदों के पास ठेके खोले गए, हर जगह ठेके खोले गए। आप अभी यहाँ पर जाके देखो, ये पर्चे लगे हुए हैं यहाँ पर, हर जगह पे शराब छुड़ाने के वो विज्ञापन लगे हुए हैं। पहला ऐसा नहीं होता था दिल्ली में, इसका क्या मतलब है? पिछले एक साल में जिस तरह से शराब बहाई गई, शराब माफिया के लिए काम किया दिल्ली सरकार ने, 90 के और 80 के दशक में पिक्चरें देखा करते थे जब जिसमें नेता होते थे और वो स्कूल और शिक्षा के आड़ में शराब माफिया के लिए अवैध शराब बेचा करते थे, वो नाटकीय रूपांतर था, उसका असल अब देखने को मिल गया। ये जी तो सवाल ये है कि आखिर पॉलिसी वापस ली क्यों? लेकिन वो एक बात और कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी को पहली बार नानी याद आई है क्योंकि आम आदमी पार्टी आई है। जी नहीं नहीं, बीजेपी की मैं तो बोले भी लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर उन्होंने एक झूठ का दाव चला और बोला ना काट की आंटी बार बार नहीं चलती। इस बात का मुझे विश्वास है कि दिल्ली के सामने में आम आदमी पार्टी के इसलिए सामने आ गई है। मैं फिर कह रहा हूं, दिल्ली के अंदर में ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को ठेका दिया गया। दिल्ली के अंदर में आप कल्पना कीजिए कि ऐसे जब ये बात पॉलिसी के अंदर तय हो गई कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रिटेल में नहीं जाएगा, तो भैया ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी कि दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी ने उनको भी अनुमति दे दी। देखिए प्रतीक जी, भारतीय जनता पार्टी का मकसद शराब के खिलाफ नहीं है। अगर इनको शराब की इतनी चिंता होती तो गुजरात में 100 से ज्यादा लोग मर गए जहरीली शराब पी के। ड्राई स्टेट होने के बाद भी वहां पे शराब बिक रही है, और शराब कहां पे, अगर किसी को शराब चाहिए हो गुजरात में तो कहां जाना पड़ता है? भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यालय में चले जाओ, शराब मिल जाती है। शराब शनाप आरोप लगाना बहुत सामान्य है, लेकिन सीबीआई की चार्जशीट पे बात नहीं कर रहे हैं। सीबीआई के एफआईआर पे एक बार भी जवाब दिया नहीं? दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नहीं दिया, दिल्ली के डिप्टी सीएम ने दिया, आम आदमी पार्टी का एक भी प्रवक्ता आकर के दिल्ली की ये लिकर पॉलिसी को डिफेंड नहीं कर पा रहा, तो लाए क्यों? आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में शराब के ऊपर लोगों ने के जो ये आरोप लगे हैं, और उन्होंने अभी बोला गुजरात का, वो भी सच है। जनता सिर्फ ये चाहती है, अगर आप पे आरोप लगे हैं और उसकी अगर जांच होना होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तो उसमें क्या हर्ज है? बिल्कुल हर्ज है, कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल होनी चाहिए। कहां थे? रुकिए साहब, आया जी। सहरसा से? बिहार? सहरसा। अच्छा, उधर वालों से दूसरे हैं आप? नहीं, वो तो सब मैथिल में। जी सहरसा। हाँ जी सहरसा। जी सर, मैं ना फेसबुक पे एक वीडियो देख रहा था और आज सुबह से ही मैं वीडियो को 50 बार देखा है। तो केजरीवाल जी, इसमें ना मतलब पत्रकार महोदय पूछ रहे हैं कि जो आपने 2014 में 100 से ज्यादा लिस्ट बनाए थे नेता के, इस पे केस। रुको भाई, आवाज नहीं। हाँ। तो इसमें ना अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, तो केजरीवाल जी का जवाब क्या है कि कुछ भी हो हमें मोदी और अमित शाह की जोड़ी तोड़ना है? मतलब कुछ भी नहीं है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब यही हुआ कि उनको बीजेपी को हराना है, चाहे कुछ भी हो, वो कुछ भी करे, कितने नीचे स्तर पे गिर जाए, लेकिन मोदी और अमित शाह जी का जोड़ी का। देखिए बिल्कुल सही कहा, अगर इस देश को एकजुट रखना है, इस देश के नौजवान को अगर रोजगार दिलवाना है, इस देश की महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान करनी है, इस देश में अच्छे स्कूल और अच्छे अस्पताल बनाने हैं, तो नरेंद्र मोदी अमित शाह को हटाना देश की मजबूरी है। के नौजवान को शराबी बनाना है तो इनसे पूछ लीजिए कैसे बनाना है। माओं की चित्कारें इनको नहीं सुनाई दी जब उनके जवान बेटों को दारू पिलाने के लाइसेंस दे रहे थे, तब इनका भ्रष्टाचारी मॉडल कहाँ गया था? बड़ा जबरदस्त मामला है। बोले कि अमित शाह नरेंद्र मोदी की जोड़ी को तोड़ना है। अरे भाई साहब, ऐसा गेम खेलिए जो अपना गोल्ड पोस्ट तो बचा रही है वो उल्टा हो गया। इधर पता चला जोड़ी इधर वाली मुश्किल में आ गई। अपना गोल्ड पोस्ट बचा के खेलना चाहिए। फुटबॉल का नियम ये है कि डिफेंस जो है मजबूत रखिए। जी राहुल जी, आया। देखिए एक चीज तो ये है कि जो राजनीति की स्थिति बनी है तो वो बड़ी गंभीर वाला मामला है। देखिए मुझे बार बार, मैं दिल्ली के लीकर पॉलिसी से मैं इतना चिंतित हूँ मैं कि देखिए मैं कल भी कर रहा था और आज भी कर रहा हूँ, आपको अनिल बैजल को भी लेना पड़ेगा। अनिल बैजल की भूमिका संदिग्ध है, इस कारण से वहां पे हमें दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी इस पूरे प्रकरण में और आम आदमी पार्टी भी शामिल है। और मैं कह रहा हूँ कि देखिए मैंने पूरा मध्य प्रदेश का मॉडल मैं देख के आया था। वहां पे देखिए लोगों को कैपेसिटी दे दीजिए कि आप घर घर में बार खोल लीजिए, तमाम तरह की चीजें कर लीजिए। उसी पॉलिसी का अनुसरण था दिल्ली के मामले में। दिल्ली में अगर ये वापस हुआ तब यहाँ पे भी, वहां पे भी वापस होनी चाहिए। और एक सेकंड, जहरीले शराब के मामले को लेकर सरकार कब जगेगी? देखिए गुजरात का उदाहरण बहुत गंभीर उदाहरण है, बिहार में भी हम ये कह रहे हैं ना। प्रतीक जी, यहाँ से आप पंजाब चले जाइए, पंजाब में 25
तो शादी करना ये व्यक्तिगत मामला है। देखिए व्यक्तिगत मामले में मैं कोई भी टिप्पणी किसी की भी नहीं लूंगा, किसी को भी शादी करने का जो हक है। वेट मैम, यू हैव टू वेट, देन आई विल कम टू यू। जी जी भाई साहब बोल लेते हैं अभी की मोदी की और उसकी अमित शाह की जोड़ी तोड़नी है। मुद्दा क्या है? मुद्दा है शराब का। 8-9 साल हो गए अब लोग विकास दिखाई नहीं दिया, बस सब ये कहते हैं विकास का है, विकास अभी बढ़ा ही नहीं। अभी तक वो दिखाई दे रहा विकास। जी मैं आया। जी जनाब, सवाल ये था कि मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि 2 दिन में गिरफ्तारी होगी, इसकी वजह क्या है? क्योंकि 2-3 हफ्ते लेट हो चुके हैं, उन्हें पता है, हर गलत करने वाले को यह पता होता है कि वह गिरफ्तार होगा, उसे सजा मिलेगी, इसलिए वो कह रहे 2 दिन लेट हो गया है। और सारी चीजें लुकआउट नोटिस की बात चली, ये सिर्फ राजनीति हो रही है, गुजरात के पॉलिटिक्स अब मनीष सिसोदिया के नाम पे खेले जाएंगे। सीबीआई ईडी जो भी कर रही है, सीबीआई जो भी कर रही है उसमें तो कोई हस्तक्षेप करने का प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न बस ये उठता है, सवाल ये उठता है कि बच्चों के आड़ में, आप बच्चों के आड़ में अपने शराब की पॉलिसी को डिफेंड नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हम शिक्षा फ्री दे रहे हैं, हम हेल्थ सर्विस फ्री दे रहे हैं, इसलिए हम शराब भी फ्री देंगे, ये आप नहीं कह सकते। राइट जी प्रतीक जी, देखिए सीबीआई की सवाल कब उठता है? किसी सीबीआई को मैं नहीं कह रहा, नरेंद्र मोदी जी भी एक समय पे कहते थे कि सीबीआई का मिसयूज हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा था कि सीबीआई सरकार का तोता है। आज सीबीआई को अगर इतनी चिंता हो रही है तो सीबीआई को व्यापम घोटाले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी बात करनी चाहिए थी, उनके घर भी जाती, साधना सिंह के पास भी जाती, सीबीआई अगर जाती तो बीएस येदुरप्पा के पास भी जाती, सीबीआई जाती तो रेड्डी ब्रदर्स के पास भी जाती, क्योंकि सब लोग भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद सीबीआई ईडी सब खत्म हो जाती। मनीष जी को देखा है कि आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, सीबीआई ईडी के सारे केस खत्म कर देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को मैं कहना चाहता हूँ, सीबीआई ईडी छोड़ो, हमें फांसी पर लटका देना, लेकिन स्कूल बनाने, अस्पताल बनाने बंद नहीं करेंगे। 2 दिन से है इनके प्रवक्ता, इनके नेता शोर मचा रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी को भाजपा ज्वाइन करने के लिए कॉल आया, सभी मीडिया चैनल्स पर। एक आदमी बता दे, एक कॉल बता दे, एक प्रूफ ला दे। तो प्रतीक जी हम डिबेट में आना बंद करो। कह रहे कि अगर एक कॉल भी बता दें कि अगर आया हो कि बीजेपी ज्वाइन करनी है तो मैं डिबेट में नहीं आऊंगी। जी बताइए किसका? जी इन लोगों के पास कोई तथ्य नहीं है। देखिए इनके लेफ्ट और राइट दोनों जैन साहब जेल चले गए, सिसोदिया जी की तैयारी है, अब उनको भाजपा याद आ रही है, भाजपा से उनकी यारी है। मैं फिर बता रहा हूँ कि कौन है वो लोग। वो लोग हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह के एजेंट, जिन लोगों ने हेमंत बिस्वा को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, जिन लोगों ने शुभेंदु अधिकारी को ज्वाइन करी, जिन लोगों ने, आप प्रूफ लाइए। अब इनको भाजपा याद आ रही है, इनको भाजपा तब याद आ रही है जब इनको जेल का रास्ता दिख रहा है। ये आप नहीं है प्रतीक, मैं फिर वही कह रहा हूँ, ये पूछे भारतीय जनता पार्टी वालों से कि मुकुल राय को किसने ज्वाइन किया, किसने एकनाथ शिंदे की सरकार। सवाल ये है कि अगर कॉल आया है तो नाम पता चलना चाहिए, फोन नंबर आना चाहिए। और हैं, ये राज की बात है, ये राज की बात है। हैदर कैसे हैं? जी आ रहा हूँ। जी जनाब कैसे हैं? बहुत चुप हैं आज आप। जी सुनिए, मैं जो कह रहा हूँ, दिल्ली के 18 लाख स्कूलों के सामने दीवालों के साथ, गेट के साथ शहर का कचरा घर बना है। दुनिया का कोई आतंकवादी संगठन भी अपने बच्चों के स्कूलों के सामने शहर का कचरा घर नहीं बनाता। मनीष सिसोदिया के अपने क्षेत्र में 2 स्कूल हैं, दोनों के सामने शहर के कचरा घर है। सन से डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। सवाल ये है कि नाराजगी, मुझे मालूम था कि आप बहुत नाराज हैं, लेकिन इतना नाराज है? हाँ जी है, देश की राजधानी में दिल्ली के बच्चों, प्राइमरी स्कूल के बच्चों के सामने शहर का कचरा घर। अरविंद केजरीवाल कहते हैं, नो, मैं आ रहा हूं, ऑफकोर्स अरविंद केजरीवाल, रुको भाई साहब कूड़ा फैलाने का काम भाजपा किया है, एनसीडी में भाजपा, जी सारा करप्ट है, सारा करप्ट। हाँ जी शांत हो जाइए। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैंने देश का नहीं, मैंने दुनिया का सबसे बढ़िया शिक्षा मंत्री दिया, लेकिन बात बन नहीं रही है। मैं वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं